अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और आप देख रहे हैं ढाबा देसी। आज मैं आपको वाइट चिकन कढ़ाई की रेसिपी बताने जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद आप तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स को पीछे छोड़ देंगे। तो हम ये बनाने लगे हैं। इसके अंदर ऑयल ज़्यादा जाएगा, इतना हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम बीच में 2 से 3 इलायचियाँ डालेंगे। इनके वजह से गोश्त में जो भी स्मेल वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमने ये 1 kg चिकन लिया था, ये हम बीच में डाल देंगे। और इसके बाद हम इसको तकरीबन 12 से 10 मिनट तक पकाएंगे। और अब 12 मिनट के बाद हम बीच में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट हम पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गोश्त स्मेल वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें 18 मिनट के बाद, ये हमने 2 प्याज लिए थे, इनको हमने ग्राइंड कर लिया, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ ग्राइंड कर लेते हैं वो अपना भरपूर फ़ायदा देती है। और ये हम इसको डाल लेंगे। इसके बाद हमने 2 से 3 टमाटर लिए थे, इनका भी हमने बिल्कुल ऐसे ही ग्राइंड कर लिया था, वो भी हम बीच में डाल देंगे। और इनको सिर्फ मज़ीद 3 मिनट और पकाएंगे, फिर इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अभी हमने कुछ चीज़ें और डालनी हैं, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। और अब हम इसमें दही, जो 1 कप के बराबर है, इसमें ज़ीरा और खुश्क धनिया हमने 1 टीस्पून के बराबर बीच में डाल लिया था, वो अब हम इसमें डाल देंगे और इसका मज़ीद 1 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें, ये हमने मिर्चें बिल्कुल इस स्टाइल से हम काट लेंगे, ये हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, ये बीच में डाल देंगे। इसके बाद हमने अदरक को इस स्टाइल से काटा, ये फिर प्रेजेंटेबल और गुड लुकिंग देता है, इसको बीच में डाल लेंगे और इसको मिलाएंगे। और अब हम इसमें मलाई डालेंगे, आपके पास अगर क्रीम हो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप इस ग्रेवी ने तकरीबन घी छोड़ दिया है। और अब हम इसको थोड़ा सा हिलाकर एकलादा बर्तन में डाल लेंगे, माशाल्लाह। और अब यह हमारी वाइट कढ़ाई मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरह से इसको प्लेट में डाल लेंगे। इसके बाद हम इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा ये हरा धनिया लेंगे, ये ऊपर हम इस तरह से जितना आप डालना चाहें डाल लें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।